हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्लास सेकेंड चैप्टर सिक्स वीडियो। चैप्टर सिक्स का है ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं आगे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह रिपीटेड एडिशन होता है। ठीक है, मुस्कान रिसीव सिक्स बास्केट ऑफ एप्पल फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। जो मुस्कान नाम की एक लड़की है, उसके उसको उसकी ग्रैंड मदर ने सिक्स बास्केट दिए थे एप्पल के, जैसे ये रखा हुआ है। ईच बास्केट हैज़ थ्री एप्पल्स इन इट, और प्रत्येक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, थ्री। तो लेट्स फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, आगे देखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। वी कैन डू इट बाई एडिंग द नंबर ऑफ थ्री एप्पल्स इन ईच बास्केट। मतलब कि उन्होंने सिक्स दिया था बास्केट, तो थ्री वन बास्केट में, थ्री सेकेंड में, थ्री थर्ड में, थ्री फोर्थ में, थ्री फिफ्थ में, थ्री सिक्स में, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एटीन आ जाएगा। तो देर आर सिक्स ग्रुप्स ऑफ थ्री, इसका मतलब होता है कि जो सिक्स बास्केट रखे हैं वो थ्री थ्री का ग्रुप बना हुआ है। इसे हम कैसे रख सकते हैं, बास्केट की संख्या कितनी थी, सिक्स है ना, और बास्केट में एप्पल कितने थे, थ्री। तो ये कितना हो गया, एटीन हो गया। और देखिए यहाँ पे लिखा है, इस तरह से बना हुआ, इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। और सिक्स टाइम्स थ्री इज, मतलब कहने का है अगर हम सिक्स को थ्री को सिक्स टाइम्स लिखते हैं तो वे किसके बराबर होता है, एटीन के बराबर होता है। मतलब कि थ्री को हम सिक्स टाइम लिखें ना, वन टू थ्री जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो किसके इक्वल होता है, एटीन के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर देखिए द नंबर सिक्स एंड थ्री आर कॉल्ड द फैक्टर्स। जो सिक्स है और थ्री, इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। और जो एटीन आपका आंसर आया, इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली रिपीटेड एडिशन होता है ऑफ द सेम नंबर का। कहने का मतलब है, जैसे ये देखिए रिपीटेड एडिशन, फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ट्वेंटी आएगा। तो रिपीट हो रहा है ना नंबर। अब देखिए फाइव कितनी बार था, फोर टाइम्स था, मल्टीप्लाई का साइन ये लगाएंगे और फोर टाइम्स क्या लिखा है यहाँ पर, फाइव, तो भी कितना आ जाएगा, ट्वेंटी आएगा। ओके, वैसे आइए आगे यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे कुछ एक पहला दिया हुआ, यहाँ फाइव कितनी बार लिखा हुआ था, थ्री टाइम्स लिखा हुआ था, इसलिए देखिए यहाँ पे थ्री लिखा है, थ्री टाइम्स क्या लिखा है, फाइव, इसलिए यहाँ पे फाइव लिखा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे फोर कितनी बार लिखा हुआ है, फाइव बार, तो हम पहले फाइव लिख लिए, फाइव बार क्या लिखा हुआ है, फोर, तो यहाँ फोर लिख लिए, तो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है नंबर, फोर टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे हम फोर, फिर यहाँ लगाएंगे साइन मल्टीप्लाई का, फोर टाइम्स क्या लिखा हुआ है, थ्री, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। ऐसे ही वन कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे, सिक्स टाइम्स लिखा हुआ है ना, सिक्स टाइम्स वन लिखा हुआ, मतलब सिक्स वन ज़ा सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे टेन कितनी बार लिखा हुआ है, फोर टाइम्स लिखा हुआ है, तो फोर इंटू यहाँ पे क्या लिखा, फोर टाइम्स क्या लिखा है, टेन, तो टेन अगर हम फोर का मल्टीप्लाई टेन में करते तो क्या आता है, फोर्टी। ओके, ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये सेवन तक है, आपको करना है। ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, इसे आपको बुक में फील करना है। ठीक, आगे देखिए, आगे मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे है, यहाँ पे थ्री है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, फाइव लिखा हुआ है, यहाँ पे फिफ्टीन है। ठीक है, मतलब थ्री जम्प्स ऑफ फाइव, फाइव को कितनी बार जंप कराना है, थ्री टाइम्स। ठीक है, तो ये देखिए ये नंबर लाइन बना हुआ है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वन टाइम्स फाइव तक आए, टू टाइम्स फाइव पर आए और थ्री टाइम्स फाइव पर आए। ठीक है, और जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी देखिए क्या था, सिक्स जम्प्स ऑफ थ्री, कहने का मतलब है कि हम थ्री थ्री स्टेप आगे बढ़ेंगे छः बार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ जीरो से स्टार्ट किए, यहाँ थ्री आए, फिर थ्री करेंगे, फिर थ्री काउंट करेंगे, कितनी बार हमें बढ़ना है, सिक्स टाइम्स, कितनी बार, सिक्स टाइम्स, थ्री हुआ, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, तो कितनी बार हमने इसने स्टेप लिया, सिक्स टाइम्स लिया है ना, और
सिक्स टाइम्स हमने कितने कितने कदम लिए, 3 3, तो यहाँ 6 3 18 कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। ओके आगे देखिए, ऐसे ही यहाँ पे करना है, 8 2 क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कितने स्टेप करना है, मैंने कैसे बताया था कि हम यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कितनी बार लेना था, 5 को हमें 3 बार लेना था, 3 को हमें 6 बार लेना था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमें 2 को कितनी बार लेना है, 8 बार, जो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 18, 2 7 14, 2 8 16, ये 16 पे आके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा, 5 4 20 होता है, तो हमें कितनी बार ले जाना है 4 को, स्टेप कितना चलना है 5, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 हो गया ना, ऐसे ही करना है। अब ये आपको लास्ट वाला 3 जो दिया है, ये आपको अपने से करना है। ठीक है, फिर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, 2 × 7, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो क्या आता है, 14 आएगा। ये किसके इक्वल टू है, 7 × 7, मतलब अगर हम दो बार 7 को ऐड करते हैं तो भी 14 ही आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 7 × 2, कहने का मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार, तो लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा है, तो ये कितना हो गया काउंट करने पर, पूरा 14 हो गया। तो यहाँ सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि चाहे आप 2 × 3 लिखिए तो भी कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, और अगर आप 3 × 2 लिखेंगे तो भी 6 ही आएगा। समझ में आया, आगे देखिए यहाँ पे देखिए एक बात लिखी हुई है कि अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, मतलब कि ये जो चाहे 2 को पहले लिखिए चाहे 7 को पहले लिखिए, अगर हम इसके प्लेस को चेंज करते हैं फैक्टर्स को, तो इनका प्रोडक्ट नहीं चेंज होता, मीन्स 2 × 7 भी कितना होता है, 14, और 7 × 2 भी कितना होता है, 14 होता है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स, इनको ऐड करने में भी क्या आएगा, 4 आएगा। सो 1 तो कितनी बार लिखा गया, 4, हम मतलब कि जिस किसी नंबर को कितनी बार लिखा गया है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ मैं बता दी हूँ और कुछ आपको अपने से करना है। 6 × 9 वही आएगा और 9 × 6 भी वही आएगा, मतलब 6 × 9 इक्वल टू है 9 × 6 के। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 के टेबल में 5 कब आएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 8 में 0 कब आएगा, जब हम कब करते हैं, 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा, बताइए, 8 में हमने इसके पहले बताया था ना कि 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का, ये 0 है। अब देखिए 12 बन जा 12 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए मैं बताती चल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करके यहाँ बॉक्स बना है, 3 × 9 लिखा है, तो हम कहने का मतलब है कि कब इक्वल टू है, मतलब कि यहाँ पे भी 3 होगा, 9 × 3 लिखें चाहे हम 3 × 9 लिखें, दोनों में क्या होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जो मल्टीप्लाई करने पर आता है वह सेम आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 0 × 2, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 0 ही आएगा, 0 में किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, आगे देखिए ऐसे ही यहाँ पे भी 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 × 1 9 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 × 7 या 7 × 1 दोनों ही बराबर ही रहेगा। ओके, तो अब देखिए बाकी यहाँ पे जो बच रहा है वो आपको अपने से करना है। ठीक है, मैं सारा नहीं समझा सकती ना इसमें, तो इसलिए अब जो बच रहा है वो आपको अपने से करना है। आगे देखिए थोड़ा बहुत मैं और भी बता देती हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा।
आगे देखिए 11, 12, 13, 14 भी है ना। 11 का देखिए 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4। 12 में क्या है तो 10 इंटू, यहाँ पे भी क्या है, इक्वल टू कट गया, यहाँ पे 10 होगा। तो ये दिया हुआ है बुक में, हाँ 10, तो 10 के टेबल में 10 कब आएगा, वन टाइम में, मतलब 10 बन जा 10। अब यहाँ 11 इंटू 8 है चाहे 8 इंटू 11, दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा। अब 15 इंटू 1 क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल को आपको अपने नोटबुक पे लिखना है, मतलब कि आपको अपने नोटबुक में 2 से 10 तक टेबल लिखना है ना। ये 6 का टेबल है, मैं एक बार समझा देती हूँ। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। अब देखिए तो रहा टेबल 6 का, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि हम 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 का 1 में करेंगे तो भी 6 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भी 12 आएगा, 6 का 2 में करेंगे तो भी 12 आएगा। मैंने बताया ना कि जो नंबर के चेंज हो जाने पे प्लेस के चेंज, नंबर के प्लेस के चेंज हो जाने पे प्रोडक्ट उसका जो होता है वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 × 6 करें या 6 × 4 करें, नंबर सेम ही आएगा। इसके नीचे देखिए 7 का भी है, सेम यही चीज़ 7 में भी था कि 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे चाहे 7 का 1 में, आएगा 7 ही। अब 2 का चाहे 7 में करें चाहे 7 का 2 में करें, आएगा 14। 3 7 जब 21, 7 3 जब 21, तो बस यही है कि टेबल के 7 1 जब 7, 7 2 जब 14, 7 3 जब 21, 7 4 जब 28, 7 5 जब 35, 7 6 जब 42, 7 7 जब 49, 7 8 जब 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो आपको अपनी नोटबुक में 10 तक का टेबल लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही 8 का भी दिया है, 1 × 8 करेंगे तो भी 8, 8 1 जाए तो भी वही 8 आएगा, 2 × 8 16, 8 × 2 भी 16 आएगा, 3 × 8 24, 8 × 3 24। बस यही है कि आपको बस ये वाला इधर वाला बुक में कॉपी में अपने लिखना है, ये नहीं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। ये आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है और आपको लर्न भी करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कुछ फ़न के लिए, तो हाउ मच स्पाइडर्स डू यू सी, स्पाइडर्स कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। हाउ मेनी लेग ईच स्पाइडर है, स्पाइडर एक स्पाइडर के कितने लेग हैं, 8 हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर पूछ रहा है, तो 3 स्पाइडर्स थे, लेग कितने हैं इनके, 8, तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए 9 और 10 का टेबल दिया है, सेम वैसे ही आपको 9 का भी टेबल दिया है कि 1 का 9 में करेंगे तो भी 9 में 9 आएगा, 9 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो भी 9 आएगा, मीन्स 2 9 जब भी 18 और 9 2 जब भी 18। तो वैसे ही टेबल है 9 का, आपको 9 का टेबल अपनी नोटबुक में, ये देखिए 10 का भी है, ठीक है, अपनी नोटबुक में 2 से लेके 10 तक का टेबल लिख लीजिए। आगे देखिए साइज 4 है यहाँ पे, ये टेबल के ही बेस पे है, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 10 3 जा 30 है ना, 6 5 जा 30, 9 9 जा 81, 4 9 जा 36। ये देखिए ऐसे ही है, ये टेबल पढ़ के आपको ये लिखना है अपने, इससे आपको अपनी नोटबुक में भी करना, ठीक है। देखिए ऐसे ही दिया हुआ है ढेर सारा, 8 6 जा 48, देखिए ना यहाँ 4 7 जा 28, ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारा दिया हुआ है, आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये देखिए जैसे ये है 5 6 जा कितना होगा, 30, 6 9 जा कितना होता है, 54। ये सब आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। आगे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं तो एक दो बता दे रही हूँ, बाकी आप अपने से करिएगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 2 3 8 4 6 7, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ये जो बीच में लिखा हुआ है मतलब 6 से, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18,
8 6 48, 6 4 24, 6 6 36, 7 6 42। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ सेकंड देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ 25 लिखा, तो 5 को टेबल में किसका टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 25 आएगा, तो 5 5 जा 25 होता है, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50। अब 35 कब आएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ऐसे यहाँ पे भी देखिए 7 की टेबल पड़ी है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो ये 3 बार में आएगा। 7 9 जा कितना होता है 63, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, ठीक है, और 7 1 जा 7 आएगा यहाँ पे देखिए। और अब ये देखिए 10 4 जा 40, अब 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, यहाँ 10 बार में होगा, 10 3 जा 30, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, 10 9 जा 90, ठीक है। तो ऐसे ही है ये, आपको सारा अपनी नोटबुक में नहीं, आपको बुक में इसको करना है, इसे आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सरसाइज 6, इसमें टेबल पढ़ना है, जैसे यहाँ आप नीचे क्या लिखा है 3, तो हम 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 होता है ना, ये 12 होता है, तो ये वंस है हम यहाँ लिखेंगे, ये टेंस है यहाँ लिखेंगे इस तरह से, 2 8 जा 16, तो 16 ऐसे होता है वंस का, यहाँ पे वंस के कॉलम में वंस, टेंस के कॉलम में टेंस, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ठीक। ऐसे ही आपको ये देखिए सारा अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक दो बता देती हूँ मैं आपको, और जैसे ये है 7 5 जा 35, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि 7 मल्टीप्लाई 4, तो 7 4 जा कितना होगा 28 है ना, और वी नो डेट 6 into 4 कितना होगा 24, तो 7 into 4 कितना होगा 28 है, अब 24 में क्या ऐड करेंगे कि कितना हो जाएगा 28, 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 28, तो 7 into 4 क्या होगा 28। ऐसे इधर देखिए 7 7 8 7 जा कितना होगा 6, ठीक है, 8 7 जा यहाँ 49 है, लेकिन कितने 49 होते हैं, यहाँ 49 मतलब 7 7 जा 49 हुए, तो 49 में क्या ऐड करेंगे 56 आएगा, बताइए 7 ऐड करेंगे, ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 8 7 जा 56। ऐसे ही आपको ये 3 and 4 करना है, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7, ये देखिए 4 2 जा 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, मतलब कि पहले हम इसका टेबल यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, फिर पहले हम इस नंबर का टेबल वंस में पढ़ते हैं, फिर इस नंबर का टेबल टेंस में पढ़ेंगे, जैसे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3। ऐसे यहाँ पे भी है 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। आगे देखिए 7 का टेबल 0 पढ़ेंगे 0, और 7 का टेबल 1 पढ़ेंगे 7, पहले हम इसको वंस में पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8, फिर इनका हम टेंस में पढ़ेंगे 2 3 जा 6, इनका टेबल हम वंस में पढ़ेंगे 3 1 जा 3, फिर इनका टेबल 3 में पढ़ेंगे 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे ही आपको और करना है, थ्री थ्री जा यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा
4। ठीक है, पहले हम जो नंबर दिया होता है इसको वंस में करेंगे, ये ओ लिखा है मतलब वंस और ये टी मतलब टेंस, उसके बाद टेंस में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, ये आपको बुक में फील करना है। ठीक, आगे देखिए एक्सरसाइज 8। ये देखिए यहाँ पे अभी तक वंस का था, टेंस का था, अब हंड्रेड का भी है। तो ये देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है ऐसे 12। तो हम 2 यहाँ लिखेंगे और जो कैरी है टेंस आ रहा है ये टेंस को दे देंगे। फिर हमने बताया था ना कि पहले टेंस में वंस में करते हैं फिर टेंस में करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और इसका जो कैरी है वो इसको देंगे, लेकिन बगल वाले में कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पूरा 10 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 5 यहाँ पे लिखेंगे और जो इसका ये टेंस है ये टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना होगा 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ अब फिर देखिए 4 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 7 ज़ा 28 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8 और 2 हम इसको देंगे बगल में। फिर 4 4 ज़ा 16, 2 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि इसके पास कैरी कुछ मिला नहीं क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं था। आगे देखिए और भी है, मैं एक दो और बता देती हूँ। फिर देखिए 3 6 ज़ा 18 होता है ना, ये 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी दे देंगे। फिर 3 5 ज़ा 15 1 16। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई एक और नंबर होता तो हम यहाँ पे कॉलम में लिखते, लेकिन यहाँ है नहीं तो हम यहाँ पूरा 16 राइट कर देंगे। ऐसे ही है 4 5 6 है 7 8 9, इसको भी आपको अपनी नोटबुक बुक में करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 9 है ये। एक जार है जिसमें 9 लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक जार में अगर 9 लड्डू आते हैं तो मतलब टोटल 7 जार में कितने होंगे, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, अ जार कंटेन 9 लड्डू, तो यहाँ लिखेंगे 9 और कितने का पूछ रहा है 7, तो 7 9 जो क्या होगा, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे टेबल पढ़ के और इसका आंसर यहाँ पे भी लिखेंगे। आगे देखिए सेकंड में, रोहन हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 22 टेडी बियर्स। रोहन के पास 22 टेडी बियर्स का कलेक्शन है और एक टेडी बियर में 4 लेग्स हैं, मतलब ये जो है ना लेग इसके ये 4 हैं, तो हाउ मेनी लेग्स जो 22 टेडी बियर है, हम यहाँ लिखेंगे पहले 22 और ये कितने का पूछ रहा है, 22 है इसके पास और टेडी बियर हैज़ 4 लेग्स, तो अब इसमें पूरे कितने होंगे ना, पर सबके पास पूछ रहा है तो इसमें हम 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, यहाँ है आंसर यहाँ लिखेंगे। फिर है कि क्या कॉस्ट ऑफ टॉय, एक जो टॉय है उसका कॉस्ट 72 रुपीज़ है, तो 9 का कितना होगा, यहाँ 72 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे देखिए कि एक बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ में 38 बुक्स रखे जा सकते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 9 सच बुक सेल्फ, मतलब कि 38 एक में रखे जा सकते हैं, तो 9 में कितने रखे जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ भी राइट करेंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखिए मैंने सारा आपको बता दिया है, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ना है और लिखना है। आइए अभी मल्टीप्लाई, एक मिनट, 3 2 ज़ा यहाँ पे 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर 2 का टेबल 1 बार 2 1 ज़ा 2। कहने का मतलब है पहले ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसका टेबल हम वंस में पढ़ते हैं, फिर टेंस में पढ़ते हैं, फिर हंड्रेड में पढ़ते हैं। जैसे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होगा और 3 2 ज़ा 6 होगा। फिर यहाँ पे है 6 6 का 1, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। आगे है कि 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 का टेबल 0 पढ़ेंगे 0, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा।
टू टू जा फोर, पहले वंस में फिर टेंस में, टू थ्री जा सिक्स, फिर टू फोर जा एट, ये एट हो जाएगा। तो बस ये मैंने बता दिया, यहाँ एफ तक है। एक्सरसाइज टेन है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। अ बोट कैन कैरी 132 पीपल, हाउ मैनी पीपल कैन बी कैरी इन टू सच बोट्स। मतलब कि वन में 132 जा रहे हैं, टू बोट पे पूछ रहा है, तो टू में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वंस टेंस और यहाँ हंड्रेड लिख लेंगे। तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, इतने हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसे भी आपको बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।